2022 मसीहा सुधा 1,40,000 रेलवे पोस्ट जोटा खाली पड़ी वर्तमान सुधा से पूरण हो पारा ना केन्द्र बीजेपी सरकार द्वारा 2012 मसीह उपा सरकार दुई जिते चली से समय रे आंटी कोलिजन डिवाइसटा जोटा कांग्रेस समय से आरंभ कराई वर्तमान केन्द्र बीजेपी सरकार से ना को बदले दे ताकु कवच नाम रे नुआ नाम दे कवच हो गले एक्सीडेंट रु हो पारे एवं सेटा ठीक भाव काम दबो बोली से माने आरंभ कर एथेरे मात्र 373 कोटी टंका मोदी सरकार आसला दिन टू ट्रेन एक्सीडेंट पाई जोटा चेक करिबा पाई कवच पाई 373 कोटी टंका मात्र अनुदान करिसंती। ईस्ट कोस्ट रेलवे रे जाउतबा सब सुपरफास्ट ट्रेन किंबा फास्ट क्लास ट्रेन रे गोटे टंका भी केन्द्र सरकार बीजेपी सरकार दी नाहंती। सीएजी रिपोर्ट अनुसार जहाँ किसी तथ्य दिया ताकु सरकार केबे भी ठीक भावरे नेले नाही एवं जहाँ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी मध्ये डिसाइड होता से चुप हो रही ताकु ठीक भावरे सरकार गुरुत्व देले ना जो थी आज ट्रेन एक्सीडेंट हबार सिग्नल एवं रेलवे लाइन ताकु केमती डेवलप करा जीवो सिग्नल मैन जो लोक मान रहा कथा जिते लोक रहा कथा रेलवे लाइन नुआ नवकरण करने जो पद्धति रही सब जिन जो पैसा खर्च करने कथा सरकार कले ना बीजेपी सरकार जाणीशुणी केवल अर्थ कोटू आसब ते चिंतार रे कि ह्यूमन सेफ्टीटा को गुरुत्व देले ना जो आज आम बालेश्वर जिले में महानगर ठारे यही प्रकार अवस्था है आज हाराहारी 500 रु अधिक लोक आज मृत्युवरण कर सरकार जो दाबी हो पारे किसी किए कौ 288 किए कौन 303 किए कौन 265 और बहुत लोक इंजोर्ड होती हजार लोकर उपरे हे सरकारी कल से ठीक जगह प्रपर समय जब पहुँची था आउ कि जीवन उद्धार हो पारि था मुझे धन्यवाद देवी जो मैंने रेलवे कर्मचारी एवं जो टीम मैंने आसिक कम कर बहुत कम कर उद्धार कार्य लगी से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जो कर्मकर्ता मैंने जाम कर उच्च प्रशंसित किंतु बालेश्वर जिलार आखपाख अंचल जो लोक मैंने रही से माने जो प्रकार भाव में गोटे देवदूत भाव में आसिक लोक दुस्साहस सहित से शब बाहर कर लोक भितर टाणी आणिक रखिपारे से बालेश्वर जिलार समस्त जनसाधारण को जो मैंने से भाग नहीं कर समस्त उद्धार करते प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ मुझ समस्त धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची मोर तरफ धन्यवाद ज्ञापन कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची बहुत लोक बाहर कर ट्रेन भितर बालेश्वरवासी तो बर्तमान जोटा जोटा होमर जो दाबी रोच सका गोटे स्टेटमेंट दे दिनक भितर इनक्वारी होगा कहीदेगले सिग्नल मेन त्रुटि अच्छे संध्यारे देखला बेलू कौन जो बर्तमान सीबीआई इनक्वारी हो यही प्रकार भाव में जो रेलवे मंत्री जो बरणी जो स्टेटमेंट से गोटे डाउट सन्देह जना पड़ी यहाँ सन्देहजनक जना पड़ी भितर कार त्रुटि अच्छी कौन अच्छे से सब जानापी प्रथम रेल मंत्री अश्विन बाबू से पदर इस्तफा दिंतु यह आम मुख्य दाबी जो लोक मैंने आज मृत्युवरण कर समस्त पर गोटे गोटे चाकरी दि जाऊ कंपेनसेसन जोटा दे 10 लक्ष 15 लक्ष टा लेखे करा हूँ दाबी एवं जोटा डिसेबल अच्छा कार हाथ कटि जाए कार गोड़ कटि जाए से चाकरी दि जाऊ से आर्थिक साज्य दि जाऊ जो मैंने क्षति व्यक्त अच्छा सरकार से समस्त चिकित्सा खर्चा बहन करतु से ठीक स्थान पहुँचातु बालेश्वर जिला कांग्रेस कमिटी एवं जो मैंने आम प्रार्थी मैंने थे समस्ते लोकसभा टू आरंभ कर विधानसभा प्रार्थी मैंने समस्ते नवजोत बाबू मध्य
पटनायक बाबू आम विजय बाबू मु आम समस्ते डॉक्टर चेला कुमार आम अजित दा आसी पार्लियामेंटर जी आम ओपोजिशन लीडर समस्ते आसिक बालेश्वर जिलार कांग्रेस कमिटर समस्त कर्मकर्ता छात्र कांग्रेस युवक कांग्रेस महिला कांग्रेस समस्त सेल्र कर्मकर्ता मैंने जो परिश्रम करते रात हस्पिटाल जगी क्या मेडिसिन क्या कौन जहाँ दरकार से ये सबूप प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ पुणि थे समस्त धन्यवाद दिखा कृतज्ञता ज्ञापन करपरी मर्मंतुत दुर्घटना केवे आम ओडा आम जाणी समय तेणुक आपण मान को सूचाई देवाक चाहे आम मुख्य दाबी हूँ मंत्री इस्तफा दिंतु और जनता जो मैंने मरीगले समस्त पर डिसेबल मान को समस्त को गोटे गोटे पर गोटे गोटे चाकरी दिया जाए धन्यवाद। बहुत दुखद घटना सीटा जी जा तार निश्चय हृदय तरल कारण अधिकांश लोक जो मैंने कि मृताहत होती श्रमिक श्रेणी लोक जो मैंने कि जीविका अर्जन करने अन्य राज्य को जाते किए जाऊ किए फेर तेणु से जो हृदय दायर दृश्य बापता पुहर शब को खोजुची जो मैंने जात्री सब अच्छा भाई मान खोजुं से जो दृश्य से दृश्य वर्णना कर दृश्य देखला परे ये भयावहता को देखला परे जहाँ आम सभापति महोदय कहले आमे खूब दृढ़ भाव आज दावी करी श्रीजुक्त अश्विनी वैष्णव तुरंत इस्तफा दिखक जगार स्वर उठुची जे नैतिकता दृष्टि से इस्तफा देवा उचित आमे कहवापी चाहूँ जे यहाँ केवल नैतिकता दृष्टि नुहेँ अवहेला जो से निश्चित भाव इस्तफा देवा उचित अवहेला कि जो स्टैंडिंग कमिटी अच्छे पार्लियामेंट सीएजी एम समस्ते निर्दिष्ट भाव रेल मंत्रालय को कहते जे से जो सब गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ हूँ यात्री सुरक्षा से ध्यान देवा कथा देना एक पार्लियामेंट्री कमिटी कही एक सीएजी कही जो एंटी कोलिजन डिवाइस कथा कह जाऊँ के जगार बर्तमान से लगे मात्र 2% ट्राक तार व्यवस्था रही है यही अवहेला नुहे कौन सी अवहेला से मंत्रालय जो चलाउं बर्तमान कहते वंदे भारत ट्रेन चलेबे चलाउं मोर तो भय लगुच जो भाई ट्राक अवस्था जो भाई सिग्नल सिस्टम अवस्था तापे ये हाई स्पीड ट्रेन चलेबाटा केते दूर युक्तियुक्त से भारत रेल केते दूर प्रस्तुत सेटार उत्तर रेल मंत्री देवा उचित इस्तफा देवा आपण मैंने जानते जे रेलवे ट्राफिक रे सेफ्टी गोटे खूब इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट यात्री सुरक्षा रेलमंत्री उत्तर देवे जे से जिते संख्यक लोक रहा कथा सेफ्टी रे डिपार्टमेंट रे सी संख्यक लोक रही कि आम पाखे जो तथ्य अच्छी से तथ्य अनुजाई मात्र 20% लोक बर्तमान से विभाग में अच्छे 80% लोक से तार अर्थ कौन तार अर्थ है जे सेफ्टी प्रति जिते दृष्टि दि जा कथा से दृष्टि दि जाए ना बर्तमान गोटे एनक्वारी करेंगे गोटे सिग्नल मैन को दोषी बोली कहे सस्पेंड करेंगे कि चाकर बाहर करेंगे ये यथेष 300 व्यक्ति प्राण हर हजार रु ऊर्ध व्यक्ति इंजर्ड विभिन्न स्टेज इंजरी से मानक सब कह हाथ चली जा गोड़ चली जा देखिए आप निश्चित भाव व्यथित है
ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶେଷରେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଦେବେ ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ସେମାନେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ କାହିଁକି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍, କେଉଁଠି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, କେଉଁଠି କ'ଣ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା, କେବଳ ଏହିଭଳି କସ୍ମେଟିକ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କବଚ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ଆମର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ କବଚ ଯଦି ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରଚାର କାହିଁ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ? କବଚ ଆସିଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ରେଲୱେ ବିଭାଗ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ସଚେତନ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜର କେମିତି ପବ୍ଲିସିଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟିଏ ବଗିରୁ 20ଟି ମୃତଦେହ ବାହାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ସ୍ପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କରା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ବଗିରୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରିଲେନି ତା ଭିତରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ସେମାନେ ଆଉ 20 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କି 22 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତେ 20ଟି ଲୋକ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 500-700 ମିଟର ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି। 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ 20ଟି ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର। ଏଥିରେ ଲଜିତ ହେବା କଥା ରେଲୱେ, କାରଣ ଆମେ ଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ, ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଲୋକ ସେ 20ଟି ମୃତଦେହ ବାହାର କରେ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଆଉ ବଗିରେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା ନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବିତ ବାହାରିଲା, ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜୀବିତ ହୋଇକି ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର ବଗିରେ। କି ପ୍ରକାରର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା ଦରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସସ୍ପେକ୍ଟ କିଏ, କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ମ୍ୟାନ୍, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନକ୍ୱାରିରେ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? କିଏ ଦାୟୀ ଯେ ଆପଣ ସିବିଆଇକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି?